घर परिवार में पैदा होते हैं या हमारे पिता किस बैकग्राउंड से आते हैं, हम किस क्लास से बिलोंग करते हैं, उसमें पीछे वाले में हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। लेकिन आपकी जर्नी अब शुरू हो चुकी है, तो आप की जो जर्नी है, आप जो सफलता अर्जित करते हैं, आप उससे पहचाने जाएंगे। पीछे का अच्छा था या उतना अच्छा नहीं था, हर माँ बाप अपनी भरपूर कोशिश करते हैं बेहतर देने की, परवरिश अपने बच्चों को जितनी उनकी कुवत होती है, जितनी वो मेहनत कर पाते हैं। आपको लग रहा है कि कम रह गया मामला मेरे परिवार का, तो उसमें आप कुछ होते हैं वो जिंदगी भर कोसते ही रहते हैं, वो माता पिता को उल्टा कोस के आ जाएंगे बहुत ही। और ये आजकल तो बहुत नॉर्मल सी बात होगी जनरेशन के लिए, जैसे पता नहीं ये एक एक्चुअल ही घटना थी आपके बैच में, पता नहीं मैंने डिस्कस किया नहीं किया, आई डोंट नो। एक बच्चा जो है उसके माता पिता किसी बड़े स्कूल में उसको पढ़ा रहे थे, और यहाँ की घटना है ये जो आपके नैनीताल साइड जो बड़े बड़े स्कूल्स हैं, मसूरी के जो बड़े स्कूल्स हैं, तो खैर उनके पास गाड़ी के रूप में क्रेटा थी, तो बच्चा जो है वो पहले ही कह दिया कि स्कूल से पहले ड्रॉप कर दो, गेट पे लेकर के गाड़ी मत जाओ क्योंकि मेरी इज्जत खराब हो जाएगी वहां पे अगर आप लेके जाओगे तो। ये वो बच्चा कह रहा है क्योंकि उसके स्कूल में जो पढ़ते हैं वो सब जर्मन गाड़ियां जो हैं, मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, ऑडी, उनसे पहुंचते हैं वो, जैगवार। तो ये वो बच्चा कह रहा है कि नहीं मत लेके जाओ। हो सकता है आने वाले दिनों में बच्चा ये भी कह दे कि जब तुम्हारे पास पैसे नहीं थे तुमने वो हमें पैदा क्यों किया, मतलब हमारी नाक कट जाती तुम लोगों के चक्कर में। ये भी माता पिता को बोल रहे हैं बच्चे, दूर की बात नहीं है, दिस इज द रियलिटी। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है आज की जनरेशन के लिए कि आप, और देखो आप लोगों के लिए भी, कि अगर आप एक अच्छा जीवन, सुखी जीवन जीना चाहते हैं तो कितनी इन्वेस्टमेंट अपनी जिंदगी में करनी पड़ेगी। जिंदगी में इन्वेस्टमेंट करो, अपने को ऊपर उठाओ, अपने को ऊपर उठाओ। आप नहीं उठाओगे तो फिर फ्रस्ट्रेटेड रहोगे। और देखो दुनिया में ज्यादा पैसे उन कामों को मिलते हैं जहां पे दिमाग लगता हो, शारीरिक मेहनत के पैसे नहीं मिलते। मजदूर बेचारे इतने मेहनत करते हैं, शारीरिक कितना पैसा मिलता है उनको। और वहीं पे कोई इंटेलेक्चुअल एक सेशन देने गया है, वो मोटा सा चेक उठा के लेके जाएगा। तो अपने दिमाग के विस्तार पे काम करिए कि आने वाली जिंदगी में अफसोस ना रहे, नहीं तो वो अफसोस बना रहता है पूरी जिंदगी में। आप लिमिटेड रहोगे, फिर बच्चे लिमिटेड रहेंगे, फिर उनकी अपनी फ्रस्ट्रेशन रहेगी, वो बेचारे कह नहीं पाएंगे, घर परिवार में टसल का माहौल रहता है। आपके मन में भी आप कुछ करें लेकिन कितनी करें, जितनी चादर है उतनी पैर पसारेंगे। जब चादर बढ़ाने का समय था तब हमने काम नहीं किया, तब काम चोरी करी। तो यही काम करने का मौका है, और हम बहुत अच्छे समय में हैं कि आप जितने स्किल्ड होंगे बेहतर होंगे, स्किल्स आपकी बेहतर होंगी उतनी बेहतर अपॉर्चुनिटीज आपके लिए खुली रहते हैं, दरवाजे खुले रहते हैं।